हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ पुडिंग की रेसिपी। पुडिंग हम बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड, बनाना और एग से पुडिंग की रेसिपी। बस इसे एक बार ट्राई कीजिए, मज़ा आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे बनाना। दो बनाना के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे दो अंडा। अंडा के साथ बनाना को एक बार मिक्स कर लेंगे। पुडिंग बहुत सारे तरीके से बनते हैं, बनाना से, ब्रेड से, अंडा से, मिल्क से। तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिए। अगर पुडिंग आपको पसंद है तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने ली है 3 स्लाइस ब्रेड और ब्रेड की साइड को हम काट करेंगे। ब्रेड की जो किनारा होते हैं वो ज़्यादा फ्राई होते हैं, पुडिंग के कलर अच्छा नहीं आएंगे अगर आप इसे नहीं निकालेंगे। फिर इसकी मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में बनाना और एग जो हमने ली है ना, उसकी हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, साथ में हम ब्रेड भी डाल देंगे और तीनों चीज़ को साथ में पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने बना ली है। इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे एक पैन में कैरामेल बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 टीस्पून चीनी का इस्तेमाल की है। अब जिस पैन से बनाएंगे ना, उसके हिसाब से आपको कैरामेल बनाना है। छोटा पैन है तो कैरामेल ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, अगर बड़ा पैन है तो कैरामेल थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम केक टिन में बनाएंगे। आप कोई भी केक टिन या कोई भी टिफिन, कोई भी बाउल में आप इस कैरामेल पुडिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैरामेल हमेशा लो फ्लेम में बनाइए। उसमें क्या होगा, कैरामेल की जो कलर है बढ़िया आती है और जो फ्लेवर है ना बिल्कुल सही रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए कैरामेल बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुकी है। अब मैं इसे केक टिन में निकालूँगी। तो यहाँ पे एक केक टिन मैंने ली है और इसमें कैरामेल ऐड की है। आप देख सकते हैं कैरामेल की जो कलर है ना वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है और इसमें पुडिंग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैरामेल की कलर सही आना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमेशा लो फ्लेम में कैरामेल को बनाइए, उसमें इसकी कलर बहुत ही बढ़िया आती है। तो बस इसे हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हमने ली है 1 कप मिल्क। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1/2 कप चीनी। तो यहाँ पे 1 कप मिल्क के साथ 1/2 कप चीनी हमने ऐड की है। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्रेड और बनाना का जो पेस्ट हमने बना के रखी है ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट होने के बाद इसको हमने ऐड की है और इसके साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने 3 ब्रेड के साथ 2 बनाना और उसी के साथ 2 एग हमने मिक्स की है। तो पुडिंग आपको जितना बनानी है ना, उसी के हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स लेना है। 2 बनाने के साथ आप 2 अंडा और 2 ब्रेड अगर मिक्स करते हैं ना, तो पुडिंग आपकी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे हमें लेना है एक छन्नी और इसमें हम छान लेंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ रहती है तो छन्नी में अटक जाएगी और यहाँ पे पुडिंग बिल्कुल स्मूथ बनेगी। कैरामेल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसे डाल दूँगी। जब भी कैरामेल गरम रहे तो उसको बिल्कुल ना डालें, उसमें क्या होता है जो कैरामेल है ना वो टूट जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसे डाल दी है। अब यहाँ पे एक एल्युमिनियम की फॉइल से अच्छे से हम इसे सील करेंगे। आप कोई भी प्लेट इसके ऊपर रख सकते हैं। ऐसे सील करने के बाद फिर से हमें स्टीम करना है। वैसे पुडिंग को हमेशा स्टीम किया जाता है, आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी रखा है, उसके ऊपर हमने स्टैंड रखी है। पानी हमने बहुत ही कम रखा है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसकी कवर को बंद करेंगे। 40 मिनट तक हम इसे स्टीम करेंगे। 40 मिनट्स बाद फिर हमने इसे निकाली है और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है,
तब भी हम इसे काट करेंगे। पुडिंग हमेशा ठंडी होने के बाद ही अच्छी लगती है और ठंडी होने के बाद ये अच्छे से सेट भी हो जाती है। तो यहाँ पे पूरे 2 घंटे के बाद इसकी हमने काटिंग की है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी सेट हुआ है और उसी के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया इसकी कलर आई है। बनाना से इस पुडिंग की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पुडिंग आपको पसंद है तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। हमें उम्मीद है आपको यह बहुत अच्छे लगेंगे। देख सकते हैं कितनी परफेक्टली सेट हुआ है, बहुत ही बढ़िया बनी है। ऐसे रेसिपी अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।